जिम्बाब्वे के खिलाफ फोर्थ T20 सीरीज के मुकाबले में रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले ने मैदान पर मचाया कहर। जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा करके रख दी धज्जियां। घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से रच दिया इतिहास। रिंकू सिंह ने आखिर में आकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में आक्रमण और विस्फोटक तरीके से की बल्लेबाजी। जिम्बाब्वे के गेंदबाज से लेकर के कप्तान तक के पसीने छूट गए। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच फोर्थ T20 सीरीज के मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी जिम्बाब्वे के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। भारतीय टीम की तरफ से तूफानी विस्फोटक घातक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, कप्तान शुभमन गिल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में पहले एक ओवर में 4 रन बनाए तो वहीं दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 14 रन ठोक दिए। अभिषेक शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जम करके धोरे थे। शुभमन गिल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। जी हां, आप सभी को बता दें, शुभमन गिल काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन यहां पर 7वें ओवर की 4थी बॉल पर 38 रन ठोक करके आउट हो गए। शुभमन गिल जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि शुभमन गिल काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और काफी बेहतरीन रनों को खींच सकते थे, लेकिन जिम्बाब्वे ने यहां पर शुभमन गिल को जब क्लीन बोल्ड किया तो मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। ऋतुराज गायकवाड़ वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने IPL 2024 में बड़े से बड़े गेंदबाजों को धो डाला था। ऋतुराज गायकवाड़ ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए तो वहीं अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 5 चौके ठोक दिए। काफी आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर कहर बरसा रहे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जम करके धोरे थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन वही भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर जिम्बाब्वे के गेंदबाज कांप उठे। जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान ने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से कहर बरसा रहे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। फोर्थ T20 सीरीज के मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बनकर टूट रहे थे, लेकिन वहीं भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया जब ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर 58 रन ठोक करके 13वें ओवर की 4थी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन वो भी 14वें ओवर की 6ठी बॉल पर सिर्फ 8 रन बनाकर के आउट हो गए। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर एक ऐसा बल्लेबाज आया जिसका नाम था रिंकू सिंह। जी हां, भारतीय टीम का 15वें ओवर तक जाते जाते रन सिर्फ 112 ही था, जो काफी ज्यादा कम था, लेकिन यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने आते ही मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रिंकू सिंह ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के, 2 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रिंकू सिंह काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जम करके धोरे थे। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए, लेकिन जब अभिषेक शर्मा 128 रन ठोकर के आउट हुए तो मैदान पर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल का भी तूफान देखने को मिला। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। ध्रुव जुरेल और रिंकू सिंह की तूफानी आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर सभी के पसीने छूट गए। 20वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम ने 248 रन बना दिए यहां पर T20 सीरीज के 4थे मुकाबले में। अब जब यहां पर आप सभी को बता दें, 249 रनों का जिम्बाब्वे की टीम को लक्ष्य दिया। जिम्बाब्वे के जब बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो हर्षदीप सिंह तूफानी विस्फोटक घातक गेंदबाज ने पहले ओवर में 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के आए रवि बिश्नोई ने दूसरे ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के आए तूफानी विस्फोटक गेंदबाज आवेश खान ने 2 विकेट चटका दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने इस मुकाबले को जीत लिया।